गया ख़त्म। बड़े पाए पक रहे हैं यहाँ पे इनके पास। ओ माशाल्लाह, ओहो बहुत आला। ये लकड़ी क्या कर रही है अंदर? ये नान नहीं, ये क्या चक्कर है? ये अल्लाह लोगों को देते हैं। अच्छा, कोई अगर अल्लाह लोग नान के पहले ये जो त्यौहार है ना, जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे ना ऐसे, ये आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट में दाखिल हो जाते हैं टोटली। यहाँ की वाइब ही चेंज है। ये फॉर्म वाला भटूरा भाई, फ्लफी, फुल फ्लफी, इससे ज़्यादा फ्लफी भटूरा कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह के भटूरे आपको पूरी दुनिया में सिर्फ तीन जगह मिलेंगे, एक दिल्ली में, एक जलंधर में और एक यहाँ पे। सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। मैं हूं साकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद के अंदर। फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो टेक्सटाइल के अतबार से जाना जाता है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में माना जाता है, और खानों के अतबार से दूसरा लाहौर है। इस तरह लाहौर के अंदर नाश्ते बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, लाहौर के लोग जो है नाश्तों के शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, स्ट्रीट फूड के शौकीन होते हैं। इसी तरह फैसलाबाद के रहने वालों के बारे में भी यही कहा जाता है कि यहाँ पर नाश्ते बहुत कमाल के मिलते हैं और यहाँ पर फूड, स्ट्रीट फूड स्पेशली बहुत कमाल का मिलता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यहाँ के सबसे फेमस भटूरे हैं जिनके बारे में मैंने सुना है कि पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, और उस जैसे भटूरे आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। वो है लीगल रोड के लाला के भटूरे, वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस पाए चलते हैं, बड़े पाए, छोटे पाए। बड़े पाए वो रात को लगाते हैं, छोटे पाए वो सुबह के टाइम लगाते हैं। नाश्ते के अंदर भोली के पाए हैं समनाबाद के अंदर, वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे तारकाबाद का एक एरिया है, वहाँ पे पुल के नीचे कोई बंदा जो है वो स्पेशल किस्म की हलीम, मटन हलीम और मटन चने लगाते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लाला के भटूरे से। उमर भाई मेरे साथ हैं, उमर भाई को आप जानते होंगे, फैसलाबाद में मेरी पहली वीडियो में उमर भाई मेरे साथ थे। दुनिया की बेस्ट मैंने जो छिनवारी कढ़ाई खाई थी ना उसमें भी उमर भाई साथ थे, वही मुझे लेके गए थे वहाँ पे। तो अभी रीगल रोड पे हम मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ लाला के भटूरे। यहाँ भाईजान रश हुआ सारा लगा हुआ, सुबह सुबह का टाइम है इस समय। इस तरफ जो है ना ये मेन कोतवाली रोड है, इससे जब आप आएंगे रीगल रोड के ऊपर और आगे अब ये है रीगल चौक, इस तरफ को है। इससे पहले ना राइट साइड पे आपके ये छोटा सा सेटअप लगा, यहाँ पे रश देखिए माशाल्लाह किस तरह लगा हुआ है। ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग है सारी, और इन पुरानी बिल्डिंग्स के नीचे यहाँ पे ये इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे जो है ना लाला जी के भटूरे मिल रहे हैं, इनके पास चलते हैं अभी। ये इनका माशाल्लाह सिस्टम है सारा, ये चल रहा है। ये छोटा सा दरवाज़ा, इसके अंदर वहाँ शायद बनते हैं भटूरे, और ये पुरानी बिल्डिंग है सारी ये देखें। और ये इनके बारे में पता लगा कि इंडिया से मतलब जब पाकिस्तान बना है, पार्टीशन हुई है, उस वक्त से इनके बड़े यहाँ पे उससे पहले से मौजूद थे पार्टीशन से पहले। और ये इंडियन स्टाइल भटूरे हैं, इंडिया में सिर्फ इस तरह का भटूरा मिलता है, पूरे पाकिस्तान में इस तरह का भटूरा नहीं मिलता। ये आप अपनी प्लेट खुद बना रहे हैं, बड़े शौकीन हैं वैसे मिर्चा खा लेंगे, मिर्च काट के स्पेशल तरीके से प्लेट बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अरे ये भाई बहुत डिफरेंट भटूरा है भाई। हाँ जी, की हाल चाल, ठीक ठाक हो? कितनी देर पुराना सेटअप चल रहा है? ढाई सौ साल। अच्छा, जी जी आप स्टॉक करते हैं लीमू? सही सही। लाला जी भटूरे कौन बनाता है? आप बनाते हो? कितने बना रहे हो? पीछे किन्ने का भटूरा? 60 रुपए का। सही हो गया। तो कितने बजे शुरू कर दियो? 7:30 शुरू करे थे, 9:30 तक होंदे साडे को। इस तो बाद सारा दिन फिर तुसी याशी करदे हो? इदा ही काम करदे रहे इदा जी, एक खमीर दुनिया दा नला। सही है कि आप तरीन खमीर है पाए। अच्छा, खमीर हर खमीर खट्टा हुंदा है, वाद खमीर है जेड़ा मीठा हुंदा। अच्छा, खमीर वाले भटूरे ने अपनी यार तिन केड़े खमीर केड़ी मीडिया दे आवा। जब चने खत्म होते हैं तो चने डला लेते हैं उसके अंदर ऐसे करके, और वो जो पीछे टोकरी में भटूरे रखे हुए हैं यहाँ से उठा उठा के खाए जाते हैं। लाला जी सलाद भी पा दो, लीमू भी पा दो, लीमू भी पा दो। अजेब जो कट गया इतों, ये स्पेशल कस्टमर्स के लिए है। स्पेशल कस्टमर लेने नहीं होंगे, छोटे हैं साढ़े को। अच्छा, मिर्चा भी पा दो,
ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲਿੰਬੂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲਿੰਬੂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਜਣਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਡਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਭਟੂਰੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਪਰ ਲੀਂਬੂ ਡਾਲ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਸਲਾਦ ਡਾਲ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਸ ਕੀ ਪਲੇਟ ਮੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਚਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਚਨੇ ਵੀ ਡਾਲ ਲੇਤਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪਤੀਲੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਔਰ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇ ਲੋ ਜੀ ਖਾ ਲਈ ਹਮਨੇ ਅੱਛਾ ਇਨਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕਿਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵੀ ਗੁਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋ ਜਾਤਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਤਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਆਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਤੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਭਟੂਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿਆ ਕੋਈ ਸੀਕਰੇਟ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਟੂਰਾ ਆਮ ਭਟੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਟੂਰਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਭਟੂਰਾ ਬਾਈ ਇਸਕਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਓਹੋ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਭਟੂਰਾ ਸਿਰਫ ਯਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਪੂੜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਲ ਡਾਲੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਭਟੂਰਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਭਟੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਭਟੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਨਹੈਰੀਟਿਡ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਨਕੇ ਬਕੌਲ 250-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਭਟੂਰਾ ਹੈ ਜੋ ਚਲਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਕੀ ਨਸਲੋਂ ਮੇ ਚਲਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਵਹੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੈਨੁਅਨ ਓਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਯਾਰ ਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਭਟੂਰਾ ਸਾਰਾ ਖਮੀਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਇਸਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਗਰਮ ਲੋ ਜੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਭਟੂਰਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਥੋੜੇ ਸੇ ਚਨੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਇਸਕੇ ਕਪੜੇ ਮੇ ਬਾਟਨੇ ਆਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਸਕੋ ਸਿੰਪਲ ਚਨੇ ਕਾ ਟਰਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਵਅਲਾ ਬਰਕਤ ਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫੋਮ ਵਾਲਾ ਭਟੂਰਾ ਬਾਈ ਫਲੱਫੀ ਫੁੱਲ ਫਲੱਫੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਫੀ ਭਟੂਰਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਟੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕਾ ਫਲੇਵਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਆਪਟੀਮਮ ਬਾਈਟ ਚਨੇ ਲੇਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੀਮੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸੇ ਇਹ ਲੀਮੂ ਆਏਗਾ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਪਟੀਮਮ ਬਾਈਟ ਆਫ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਭਟੂਰੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਵਾਹਿਦ ਭਟੂਰੇ ਬਕੌਲ ਇਨਕੇ ਕਸਟਮਰਸ ਕੇ ਅਬ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ ਆਪ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਇਆ ਲੀਮੂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਰ ਇਨਕਾ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਕਾ ਜੋ ਖਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਖਮੀਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਨਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਟੂਰੇ ਬਣਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਹਮ ਇਤਨੇ ਭਟੂਰੇ ਆਪਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਮੀਰ ਅਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਟੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਔਰ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਟੋਟਲ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਭਟੂਰੇ ਆਪਕੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਔਰ ਇੱਕ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭਟੂਰਾ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਪੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਭਟੂਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸੇ ਬਾਅਦ ਉਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਅਭੀ ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਲੀਮ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਤਾਰਿਕਾਬਾਦ ਕੀ ਹਲੀਮ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਟਨ ਹਲੀਮ ਹੈ ਔਰ ਮਟਨ ਚਨੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਵੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਟੂਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਭਾਈ अच्छा जी अभी हम आ गए हैं यहाँ पे ये है जी शाही मटन हलीम और मुर्ग चने इनके पास सिस्टम बड़ा डिफरेंट चल रहा है इनके पास एक चने हैं स्पेशल और वो जिस तरह लाहौर में चिकन चने मिलते हैं उसी टेक्सचर वाले चने हैं लेकिन थोड़े से पतले हैं और गर्म आग पे पके हुए मतलब ठंडे नहीं खाए जाते गर्म ही चने खाए जाते हैं और साथ में इनके पास मटन हलीम चल रही है मटन हलीम इनकी बहुत स्पेशल है बहुत बड़ी देख के अंदर इन्होंने बनाई हुई है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं और अभी इनके पास चलते हैं इनकी लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ ये ना अब्दुल्लापुर वाली साइड है अब्दुल्लापुर का पुल है ये और जब आप इससे आएंगे झुमरा रोड पे ये झुमरा रोड है ये सीधा जा रहा है चक झुमरा की तरफ सीधा आगे को जब आप इस पे आएंगे आगे राइट साइड पे स्टार्ट में आपकी नीली सी दुकान आपको नजर आएगी ये जो सेटअप है ना ये सारा इनके पास ये है शाही मटन हलीम एंड मुर्गचने इनके पास चलते हैं अभी यहाँ पे जो है ना इनके पास सलाद है और यहाँ पे जो है इसमें चने हैं और इसमें जो है हलीम है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का भैया क्या क्या मुर्ग चने हैं आपके पास जी मुर्ग चने और मटन हलीम सर मटन हलीम है जी सर सही है सही है ये मटन हलीम है जी माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी तो माशाल्लाह स्पीड इतनी आप पकड़े नहीं जा रहे जी क्या नाम है जी आपका अताउर रहमान सर अताउर रहमान सर अताउर रहमान सर कितना पुराना ये आपका है ये 50 साल से सर 50 साल से जी सर सही हो गया शाही आप यहाँ काम करते जी जी ये सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है सर
सुबह 6 पे स्टार्ट जी सर जी सर्दियों गर्मियों दोनों में जी जी हां ये एक सर्दियों में 6:15 फजर होती है उससे पहले आ जाते हैं हां जी पहले आ जाते फजर से पहले आ जाते 4-5 बजे चलते हैं सर हां दिन चलता है हां जी हां जी जल्दी भी खत्म हो जाते हैं 2 बजे 1:30 बजे 3 बजे खत्म हो जाते हैं सही 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 माशाल्लाह ये सारा मटन हलीम है जी सर सारा मटन हलीम है ठीक हो गया हां जी सही सही कितने की प्लेट है मटन हलीम की मटन 300 की सर ओए शाही इन्हें वो बता रहा है कि मटन है हाँ जी 300 की है हाफ 150 की है सर हाफ 150 की है अच्छा अच्छा ये जो है हलीम वाला तीला इनका इसमें जो है चने हैं ये चिकन चने होते हैं सर चिकन चने हैं जी सर अच्छा वो देखने में ऐसे चिकन चने होते हैं ना चिकन लेकिन हाँ चिकन में ठीक है समझ गया अच्छा अच्छा ये तरी आपने बनाई हुई है ऑयल जो है ये पकाया हुआ है हाँ ये इसके ऊपर घी होता है इसका ठीक है ठीक है और ये चने की प्लेट कितने की है 180 रुपए की सर 180 रुपए जी ये नान नहीं मतलब ये क्या चक्कर है ये क्या चक्कर है ये अल्लाह लोगों को देते हैं सर अच्छा कोई अगर अल्लाह अल्लाह लोग हाँ जी सर हाँ जी सर नान के पहले जी सर हलीम है और यहाँ पे इस साइड पे जो इनका सलाद है वैसे उन्होंने सारा कवर किया होता है तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा इंतजाम है ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार इनके पास ये सारा सैलड अच्छा ये आप पूरी प्लेट यहाँ से तैयार करते हैं अचार आएगा हरी मिर्चें आएंगी लीमू आएगा लीमू इस पर आप निचोड़ के देते ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा अच्छा सिटिंग का एरिया ये है और ये बैक पे सिटिंग का एरिया है यहाँ पीछे भी हॉल है और नीचे बेसमेंट में भी हॉल है ये नीचे यहाँ पे भी बेसमेंट में भी हॉल है यहाँ पे बैठ के भी आप खाना खा सकते हैं फैमिली के साथ कभी आते हैं तो भाई यहाँ पे बैठना हमें ये जैसे ये जो दीवार है ना जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे ना ऐसे ये आप एक पीसफुल इन्वायरमेंट में दाखिल हो जाते हैं टोटली यहाँ की वाइब ही चेंज है ये पूरा सिस्टम है इनका माशाल्लाह से यहाँ पे मटके रखे हुए हैं पीछे इनकी क्यारी बनी हुई है उधर लॉन सा बनाया है उन्होंने यहाँ पे इनके लस्सी वगैरह चल रही है तो इस जगह की वाइब्स ही लगे भाई जान ये कितने का गिलास है 30 रुपये 30 रुपये का लस्सी का या खाली गिलास हैं लस्सी का अच्छा यार एक बात कन्फर्म है यहाँ पे हाइजीन लेवल बहुत आला है इन्होंने प्रॉपर कैप पहनी हुई है और कोई हाथ नहीं लग रहा सालन के अंदर कोई किसी चीज़ को हाथ लग रहा जो चीज़ डाल रहे हैं वो चम्मच से डाल रहे हैं और सलाद इन्होंने बनाया हुआ है उसको भी बना के रखा हुआ है उसको उन्होंने जाली डाली हुई है पूरी और साबुन अगर आपने हाथ धोने यहाँ पे तो प्रॉपर साबुन मौजूद है यहाँ पे साबुन से आप हाथ धो सकते हैं ईजीली और यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा काम बिल्कुल कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी इसलिए आज से भाई यानी ये पॉइंट आना आउट ऑफ टाइम है जो जो इनके पास अवेलेबल है सारा ही आगे टेबल पर ये रायता है इनका स्पेशल ये देखो ये स्पेशल रायता है इनका ये जो है इनके मुल्क चने हैं ये जो है मटन हलीम है और ये साथ में जो है ना ये सलाद जो एक प्लेट बना रहे थे पूरी सलाद की वो अलग अलग इन्होंने दे दिया हमें और साथ में जो है ना ये कमल वाले नान ये चाटी की लस्सी ये भी इनके पास अवेलेबल है और साथ में ये अंडा ये काट के ले आए हैं अब बताओ मैं सारा कुछ कैसे खाऊंगा एक जो सबसे पहले जो ड्रॉबैक है ना इनका वो ये है कि नान जो है ना बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एक बात मैं बता दूँ नान अगर अच्छा हो जाएगा ना तो बाकी चीज़ों का फ्लेवर डेड हो जाता है नान ऐसा ही हो पिलपिला सा कंबल वाला तो बाकी चीज़ों का फ्लेवर भी आता है लेकिन एक मसला होता है कि इसकी जो है ना इसकी बाइट सही नहीं बनती टूट जाता है दरमियान में टूट जाता है ये पहले हलीम ट्राई करेंगे क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर आने की मेन जो रीज़न थी ना वो ये हलीम था हलीम मटन वाला है ये कूजी हलीम टाइप लग रहा है मुझे ये लेकिन इसको खा के पता चलेगा ये अगर नान टूट जाता भाई ऐसे ही ट्राई करते मुश्किल ओहो जैसे कुजी हलीम होता ना कुजी हलीम एक्चुअली हलीम नहीं होता वो थोड़ा सा डिफरेंट एक डिफरेंट डिश है लेकिन है वो मज़े की ये वही चीज़ है लेकिन ये मटन में बना हुआ है इसको आप चम्मच से भी खा सकते हैं इतना ये माइल्ड फ्लेवर वाला है इसका फ्लेवर बहुत कमाल का है ये देसी चने सारे छोटे चने चनी बोलते हैं इसको मियाँ वाली के चने हैं ये साथ में एक जो चिकन है ना ये चिकन और काली मिर्च को ट्राई करते हैं यार ये मुझे देखने में मज़े के लग रहे हैं और यकीन मज़े होंगे
मुर्ग यखनी वाले चने हैं भाई ये, वेरी गुड। लास्ट टाइम जब मैं फैसलाबाद आया था ना, जो तब जो चने मैंने खाए थे ना, ये उससे बेहतर लग रहे हैं मुझे। ये बहुत डिफरेंट टाइप के चने हैं यार, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अभी जो है ना चनों की जो है ना एक ऑप्टिमम बाइट ट्राई करते हैं। ये यहाँ चने आ गए, इसके बाद थोड़ा सा प्याज आ जाएगा, इसके बाद थोड़ी सी मिर्च आ जाएगी, थोड़ा सा इस पर आ जाएगा लीमू, ऐसे बगैर अचार के पता नहीं फैसलाबाद की मिर्चों में मज़ा आया, ये लीमू में जाएगा। ये जिस चीज़ के अंदर ये लीमू और मिर्च इकट्ठी जा रही है ना, उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता। ये चीज़ उन्होंने साथ ना रायता दिया, उसको सिंपल ट्राई कर लेते, सिंपल इसको। मैं नेक्स्ट टाइम खाली रायता खाने आ जाऊँगा। खीरा प्याज बहुत आला। अगर आपको ग्लास से मुंह लगाने से मसला है ना, तो उन्होंने आपको स्ट्रॉ भी साथ दे दिया। ये मसला और लोगों को होगा, हमें नहीं है। ओहो बहुत आला यार, बहुत आला माशाल्लाह। इनकी सारी चीज़ें बहुत कमाल है यार, भजन बहुत आला सिस्टम है यहाँ पे इनके जो चल रहा है। सबसे मज़े की बात जो है इनकी हाइजीन बहुत कमाल की है, बहुत साफ़ सुथरा सिस्टम है। जैसे आप खाना खा लेते हैं फ़ौरन टेबल साफ़ कर देते हैं। ये लस्सी बहुत कमाल की है इनकी, इनके पास जो चने और हलीम जो मिल रहा है वो बहुत कमाल का, दही रायता बहुत कमाल का है इनके पास। अगर आप यहाँ पे आते हैं फैसलाबाद के, अगर आप रहने वाले और आपने ये जगह ट्राई नहीं किया ना भाई, इसको ट्राई कर लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी जो है हम यहाँ से अगले पॉइंट पर जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे भोली के पाए ट्राई करने के लिए। भोली है ना, उसके बारे में मैंने सुना तकरीबन 50 साल या 55 साल पुराना उसका सेटअप है, तो अभी वहाँ चल के देखते हैं। सुबह के टाइम वो बड़े छोटे पाए लगाते हैं और रात को जो है ना वो बड़े पाए लगाते हैं, लेकिन अभी उनके पास चल के देखते हैं क्या सिस्टम। अभी हम आगे समनाबाद के एरिया में, यहाँ पे भोली नाश्ते वाला बहुत ज़्यादा फेमस है। उनके पास छोटे पाए होते हैं, उनके पास चने होते हैं, उनके पास हलवा होता है, और उनके पास बड़े पाए होते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम उनके पास नाश्ते का टाइम है, छोटे पाए होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो है ना उनसे नाश्ता ट्राई करेंगे, उनके पाए होते हैं स्पेशल पाए ट्राई करेंगे। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, उनके पास हलवा भी मौजूद है, और हलवा ये क्यों है ये मुझे इनसे जाकर पूछना पड़ेगा क्यों है हलवा इनके पास। लोकेशन आपको समझा देता हूँ उसकी। अच्छा यार, ये सामने जो है ना ये मदनी मस्जिद है, और ये समनाबाद रोड है। इसे जब आप आगे आएंगे तो मदनी चौक से बोलते हैं, और यहाँ पे जब आगे आएंगे तो पहले लेफ्ट आपके जो है ना ये गली अंदर जा रही है, इस गली अंदर लेफ्ट साइड एंटर होते साथ ही राइट साइड ये भोली पाए वाला। अच्छा जी, ये इनका सेटअप है। ये सामने जो है ना ये पकौड़े समोसे की दुकान है, और ये साथ इनका तंदूर भी चल रहा है, और ये इस तरफ जो है ना ये इनका सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं भाई, ठीक ठाक। ठीक ठाक है, ठीक ठाक। नाश्ते में सिरी पाए होते हैं? नाश्ते में सिरी पाए होते हैं, पाया होता है मगज, खाद होती है, जुबान होती है, और अंडे चना। अंडा चने होते हैं? अंडा चने, ठीक है। तो ये पाए ये माशाल्लाह उन्होंने पाए भाई जान, ये छोटे पाए, ये पूरा पतीला भरा था आपका? हाँ जी, ये फुल होता है। थोड़ा लेट हो गया ना जी, कोई बात नहीं, आप लेट हो गए थोड़े से। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हलवा क्यों रखा हुआ आपने? हलवा तो ये पूरी तो है नहीं यहाँ पे आपके पास, वैसे टेस्ट के लिए रखा हुआ, और खाने के बाद ये सुन्नत भी होती है, लोग पसंद करते हैं इसे खाने के बाद मीठा। तो ये आप मतलब सिर्फ नान चने के साथ वैसे ही देते हैं? नहीं मतलब हाँ जी, हाँ जी। कितना, ये किस तरह मिलता है हलवा? 600 रुपये किलो है ये जी। अच्छा, सूजी का हलवा है ये? खालस सूजी तो ठीक है, खालस देसी की तो नहीं ना? देसी जो महंगा पैना वा, तो सस्ता मिलना। सूजी पान खालस ही होती है ना, इसे सही हो गया। ठीक है, ये पाए की प्लेट कितने की आपकी? पाए एक पाया 400 रुपये का। 400 रुपये का पाया जी, छोटा जी। ठीक, और ये चने भी हैं माशाल्लाह, चने भी रखे हैं। ये बता रहे हैं कि ये तांबे के बर्तन में लगाते हैं, और ये सारे सबसे ज्यादा खास बात ये है कि हम तांबे के बर्तन में पकाते हैं। सही, अच्छा पकाते भी इसी में आप? और साबुत मसाले डालते हैं? साबुत मसाले पीसे हुए नहीं डालते, मसाला में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर 2-3 रुपये लगा। कितने का पाया? 350 400 रुपये का ये एक पाए, सिंगल पाया। अच्छा, इसमें अगला पाया पिछला पाया को फर्क तो नहीं है? ये हमारे सब एक जैसे पाए होते हैं, समझ लो कि सब सारे अगले ही होते हैं। सारे अगले ही होते हैं जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। माशाल्लाह,
बड़े पाए पक रहे हैं यहाँ पे इनके पास। ओ माशाल्लाह, ओहो बहुत आला। ये लकड़ी क्या कर रही है अंदर? ये बड़ी इलायची ऊपर तैर रही है। हाँ सही है, ये कमाल चीज है यार। ये कितनी देर में तैयार होते हैं बड़े भाई आप? कम से कम 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे? 8 घंटे। तो प्रेशर प्रेशर तो नहीं लगाते ना? ना ना, ये नीचे देखो गैस। हाँ सही है, ठीक है तो जी, इस टाइम पक रहे हैं। ओ माशाल्लाह, इसको कितना टाइम हो गया पकते हुए? इसको 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे और लगेंगे। ठीक है ठीक है, सही हो गया। ओ माशाल्लाह। अच्छा ये बड़े पाए कितने के होते हैं आपके? 430 रुपये का प्याला है। ठीक है अच्छा, ये भी सेटअप इनका है। और ये ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे सिटिंग है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये पाए, ये बड़े पाए पक रहे हैं इस पतीले के अंदर। और इस तरफ अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे भी जो कुकिंग हो रही है वो भी इन्हीं की हो रही है। ये दोपहर के खाने में होती है। आपका सारा दिन चलता रहता काम? ठीक है माशाल्लाह। ठीक है जी जी, ये बड़े वही तो नली यहीं से बाहर नज़र आ रही है मुझे माशाल्लाह से। ओए होए होए होए, अच्छा जी ये है जी नलियाँ इनकी माशाल्लाह। इसमें पक इन नलियों का क्या क्या हिसाब है, किस तरह? ये अलग से देते हैं? ये अलग से देते हैं, ये भी 430 का प्याला होता है। अच्छा नली का प्याला अलग होता है, अलग होता है। शोरबा इसमें कौन सा होता है? इसका वही होता है, बड़े पाए का शोरबा होता है। यार यहाँ पे हम खाने आए थे पाए, लेकिन मैं यहाँ पे पिघल गया हूँ ये नान देख के। ओहो भाई क्या नान है ये, और इसका वज़न अलग है। ये नॉर्मल नान से महंगा है, डेफिनेटली महंगा होगा। कितने का नान है पाए? नान कितने का है? 45 रुपये का नान है। डबल पेड़ा है इसमें? रोगनी नान, रोगनी नान है। यार क्या नान है यार, चेक करो भाई। ये नान लो, साथ ही लस्सी लो, ये वाली लो। ये भी नाश्ता कमाल। लेकिन पाए खाएंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे पाए को। ये सामने जो हमारे पाए का प्याला, ये पाया जी। और ये देखो गया ख़त्म चने। ठीक है, अभी तक मैं कश्मकश में यूँ कि ये हलवा साहब क्यों आता, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्टिमम बाइट बनाने का काम आ जाएगा इंशाल्लाह। ये तो जी, ये पहले सिंपल जो है नान लेते हैं यहाँ से। और ये यार पाए शोरबा जो है ना, शोरबे के अंदर ना बहुत कमाल का फ्लेवर है। शोरबे से ज़्यादा हो रहा है कि पाए डेफिनेटली अच्छे हैं। पाए जो भी पकाए ना, उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। आप दुम्बा पका लें, चिकन पका लें, मछली पका लें, पाया पका लें, ओजूड़ी पका लें, कुछ भी पका लें, उसी चीज़ स्मेल नहीं होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा आर्ट होता है खाने के अंदर। जो है ना ये जो है ना पाए के साथ थोड़ी स्किन लगी हुई रहेगी हड्डी के साथ, ये चेक कर। ओए होए होए, ओ अच्छा अच्छा, मैं फोन दे फिर आ रहा है। ओहो बहुत आला, हड्डी टूट गई यार। ये जो है ना पाए की बोटी है, इसको ट्राई कर लेते हैं। यार एक बात कमाल है, ये जो पाया है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। आप ये दो पाए भी आराम से खा सकते हैं, बहुत लाइट पाया है ये। पाए का फ्लेवर अपना बहुत कमाल का, जैसा पाए का फ्लेवर होता है वो फ्लेवर है इसके अंदर। चले ट्राई कर देंगे। ये जो बोल रहे हैं थोड़ा सा मसाला डाला हुआ अपना स्पेशल, चने तो आज हमें वैसे ही मिल जा रहे हैं। इसमें ना कोई ऐसा डाला हुआ है, लेकिन चने अच्छे भाई। यहाँ पे कोई ऑप्टिमम बाइट नहीं बना रहा मैं, क्योंकि चने का फ्लेवर अलग है, पाए का फ्लेवर अलग है। दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों का फ्लेवर नहीं आएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये अलग ही पूरी स्वीट डिश है, इसको भी मैं किसी के साथ मिक्स नहीं कर सकता। इसलिए हलवा सिंपल अलग से होता है, अलग से लोग खाते हैं, उसको मैं अलग से ट्राई कर लेता हूँ। सही है ओके। यार पाया बहुत कमाल का इनका। सबसे मज़े की बात यह है कि जो बीफ पाया भी बन रहे हैं और जो छोटे पाया भी बने हुए हैं, ये सारे तांबे के बर्तन में बने हुए हैं। तांबे के बर्तन बता रहे हैं तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इसमें पतीला हुआ इनका। और ये आम पतीला नहीं कि आप कभी इसको धोएं और पका लें,
इसके ऊपर थोड़े दिन बाद कली उतर जाती है, इसके ऊपर से कली करानी पड़ती है, कली कराने के अलग से पैसे होते हैं, 5-6 हज़ार रुपये लग गया था उसके ऊपर। और ये ट्रेडिशनल चीज़ है, इसको ये इन्होंने बरकरार रखा हुआ, और इसी वजह से फ्लेवर बहुत माइल्ड है और बहुत लाइट फ्लेवर है। ये मैं इस बात में सबसे इंप्रेस हुआ इस बात से, बहुत लाइट है यार। पाया खाने के बाद ना अच्छी खासी पता लगता है कि आपको अंदर पाया गया है, कुछ फ्लेवर आपके मुंह में गया, कुछ चीज़ आपने खाई है, अच्छा खासा हैवी होता है, लेकिन दिस इज़ वेरी लाइट। और चने चने बहुत माइल्ड है। और एक और बात बता रहे हैं कि बकरी के नहीं होते, सिर्फ बकरे के पाए होते हैं, और अगर आप बीफ पाए की बात करेंगे सिर्फ कट्टे के होते हैं, जो भैंस का बच्चा होता है ना काले रंग का, ब्लैक कलर का, जो दूध पीने के बाद भी काला ही रहता है, जो लोग कहते हैं ना दूध पीने से रंग चिट्टा होता है, तो कटा तो काला ही रहता है भाई, हालांकि सबसे ज़्यादा दूध तो वही पीता, लेकिन ये उसके पाए हैं। बहुत मज़ा आया आज ये फैसलाबाद का टूर करने में। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके आपका हमारे तालुक जो बना हुआ है वो बना रहे, और आगे मजीद लोग इसमें ऐड होते रहें, मजीद फैमिली बढ़ती रहे हमारी, 1 मिलियन में हम जल्दी से टच करेंगे इंशाल्लाह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, अगर मैंने किसी सिटी में जाना होता है, कोई इवेंट आ रहा होता है, कुछ भी होता है, तो स्टोरी इंस्टाग्राम पे जाती है, तो आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।